तो फर्स्ट कॉलम में कुछ टर्म्स दी गई हैं दैट इज हर्बेरियम की म्यूजियम एंड कैटलॉग और सेकंड कॉलम में उनके डिस्क्रिप्शन दी गई है तो करेक्ट टर्म को हमें उसके करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ हमें मैच करना है सबसे पहले यहां पर जो टर्म दी गई है दैट इज हार्बेरियम अब हार्बेरियम क्या होता है स्टोर हाउस है स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन तो प्लांट स्पेसिमेंट्स यहां पर इस स्टोर हाउस के अंदर रखे होते हैं और ये जो स्पेसिमेंट होते हैं ये ड्राइड होंगे प्रेस्ड प्रेसिडेंट प्रेसर्व्ड ऑन शीट्स इन शीट्स पर इन ड्राइड स्पेसिमेंट को प्रिजर्व करके रखा जाता है और इस शीट पर जो प्लांट्स हैं उनका बोटेनिकल नेम होता है उनका लोकल नेम होता है मतलब उनके बारे में जानकारी लिखी होती है तो हार्बेरियम के लिए हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट्स माउंटेड ऑन शीट्स आर कैप्ट तो इसके लिए सिंपल हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा थॉट देन सेकेंड दिया गया है की अब की क्या है ये भी हमारा टेक्सोनोमिकल एड है जिसका यूज किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और किसके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डी सिमिलैरिटीज अब ये जो कीज होती हैं ये बेस्ड होती हैं ऑन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स पर ये बेस होती हैं और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हैं जनरली पेयर में ये प्रेजेंट होते हैं और ये पेयर क्या होगा हमारा कॉल्ड कपलेट और ये जो हमारी कीज होती है रिप्रेजेंट करते हैं एक चॉइस को जिसमें से हम एक को एक को एक्सेप्ट कर लेंगे दूसरी को रिजेक्ट कर देंगे और जो की के अंदर स्टेटमेंट होती हैं वो क्या होंगी लीड कहलाएंगे ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड तो की के लिए हमारा करेक्ट मैच होगा

प्लांट्स के स्पेसिमेन ही होंगे या फिर एनिमल के स्पेसिमेन ही होंगे दोनों ही प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ओके okay? और तो ये जो म्यूजियम है जर्नली सेटअप होंगे इन एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस तो म्यूजियम के लिए हमारा करेक्ट मैच होगा आप प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स फर्स्ट देन लास्ट यहाँ पे दिया गया कैटलॉग अब कैटलॉग क्या होता है कैटलॉग की बात करें तो आ, लिस्ट होगी ये कोई एक लिस्ट है या हम बोल सकते हैं रजिस्टर है कंटेनिंग नेम्स ऑफ ऑल स्पेस

all the species found in an area with brief description aiding identification to so, a ke liye correct match hoga third b ke liye correct match hoga fourth c ke liye first and d ke liye second क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ पर